हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ज्योति है और स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर। आज हम जानकारी लेने वाले हैं फूलगोभी के बारे में, कॉलीफ्लावर, बेनिफिट्स ऑफ कॉलीफ्लावर, ढेर सारे इसके गुण, इसके अंदर हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखने की शक्ति जो है, इसकी जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो वीडियो को आप ज़रूर देखिए। जी हाँ, गोभी जो है वो हमारी जिस्मानी दिक्कतों से निजात दिलाने में कारगर है। मतलब कई जिस्म की समस्याओं को न सिर्फ खत्म करती है बल्कि उन्हें जड़ से मिटाने की कुवत भी रखती है। गोभी में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, तथा विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे कई तत्व पाए जाते हैं। फूलगोभी में वाटर कंटेंट अधिक मात्रा में होता है जो वजन घटाने में बहुत ही लाभदायक होता है। इस सब्जी में स्टार्च नहीं होता है और बहुत ही अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कार्ब्स होते हैं जो हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करने में सहायक होते हैं। फूलगोभी के एक एक फायदों की आप जानकारी नोट कर लीजिए। पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है। जी हाँ, गोभी में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फाइबर पेट में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है। बॉडी शुगर तेजी से नहीं बढ़ने देता। कब्ज की समस्या में आराम दिलाता है, इसीलिए इसके अंदर का फाइबर बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए इस सब्जी का महत्व बढ़ जाता है। यह कैंसर से भी बचाव कराती है। गोभी में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। कई तरह के कैंसर होते हैं जैसे कोलोन कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर से हमें बचाव कराती है। वजन घटाने में सहायक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, गोभी में बहुत ही कम मात्रा में कैलोरीज होती है, जिससे इसे हम ज़्यादा भी खा लें तो भी हमारी वजन बढ़ने की समस्या निर्माण नहीं होगी। और इसमें बहुत ही ज़रूरी घटक होता है कोलिन, जो पाया जाता है। गोभी में गोलिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो दिमाग और खून में पाए जाने वाली सेल्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ ही कोलिन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है और लीवर को स्वस्थ रखता है। एक कप गोभी में 45 मिलीग्राम कोलिन पाया जाता है। हेल्दी नर्व सिस्टम के लिए भी गोभी में पाए जाने वाला कोलिन बहुत जरूरी होता है। साथ ही यह अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों में भी लाभदायक होता है। गोभी जो होती है वो हमारे दिल के लिए फायदेमंद होती है, हार्ट के लिए। जी हाँ, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है। गोभी में आइसोथियोनाइट्रेट्स नामक एक मॉलिक्यूल होता है जो हमारे हार्ट को जो है वो स्वस्थ रखता है। इम्यूनिटी बूस्टर है गोभी। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिससे कि शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। और डायबिटीज पेशेंट के लिए भी गोभी खाना बहुत ही फायदेमंद है। डायबिटीज में बहुत ही उपयोगी है फूलगोभी। इसमें मौजूद सल्फोराफेन डायबिटीज और किडनी की बीमारी के खतरे को कम करता है। 100 ग्राम गोभी में 92 ग्राम पानी होता है जो आपको हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसके अलावा गोभी में ग्लूकोसाइलेट्स नामक पोषक तत्व पाया जाता है जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है। तो इसके अन्य भी फायदे हैं, जैसे कि आंतों के अंदर की सूजन हो उसे कम करने में सहायक होती है गोभी। त्वचा और बालों के लिए असरदार होती है। त्वचा की ड्राइनेस और झुर्रियों को कम करती है। मौसमी फ्लू से बचाव कराती है, जैसे कि सर्दी, जुकाम। गर्भवती महिलाओं को भी गोभी खाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। फूलगोभी खाने से आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, तेज़ रहती है। आपका मूड भी बहुत ही अच्छा रहना है। मांसपेशियों पर कंट्रोल और न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को सही रखने में मदद मिलती है। और लीवर में मौजूद एंजाइम्स को सक्रिय करने में भी गोभी का सेवन मददगार होता है। इसके सेवन से लीवर सही तरीके से काम करता है, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर कर देता है। इसके अलावा गले की कोई भी समस्या हो, गले में दर्द हो, गले में सूजन हो, तो उसमें भी गोभी खाना लाभदायक है।
दांतों की समस्या हो, दांतों में मसूड़ों में सूजन हो, दांतों में दर्द हो, उसमें भी फूलगोभी खाना फ़ायदेमंद है। हमारे शरीर के अंदर के खून को साफ रखने में सहायक होती है गोभी। कोई भी चर्म रोग हो, मतलब त्वचा से संबंधित कोई भी रोग हो, खुजली हो या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें भी गोभी खाना जो है वो फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।